इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर के हवा महल सीट से नए नए विधायक बने बीजेपी के बालमुकुंद आचार्य। नतीजे आने के 24 घंटे बाद ही सड़कों पर लगने वाले नॉनवेज फूड के ठेलों को बंद कराने पहुंच गए। देखिए तस्वीरें, उनका वीडियो भी एक खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि शाम तक सभी गलियां साफ हो जानी चाहिए। ये देखिए, भाई साहब 5 साल से आपकी दुकान चल रही है, रोड पे बना रहे हो आप। सर किससे लाइसेंस लिया आपने? किसी से भी पूछ। आपको किसने कहा रोड पे बना के बेचो आप? हमारा धर्म नहीं खराब होता? सुबह सनातनी गोविंद के दर्शन करने जाते हैं, सुबह स्नान करके। कमाल करते हो, बिना लाइसेंस के आप अवैध काम कर रहे हो। इससे पहले कोई आपका भाई और बेच रहा होगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप बिना लाइसेंस के कैसे कर रहे हो? कहाँ है मही जी? और चांदी की टकसाल पर रोड पे सारी नॉन वेज की दुकान कृपया हटा दीजिए, इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने। लेकिन नॉन वेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो। आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। साहब, हमारी हवा महल विधानसभा में, परकोटे की सभी विधानसभाओं में अवैध नॉनवेज का कारोबार चल रहा है, कच्चे मीट का कारोबार चल रहा है, रोड पे ये खुल के जीव हत्या करते हैं और बाहर ओपन में बेचते हैं ये, जो बर्दाश्त से बाहर है। और रात को शाम के समय यहाँ कुत्तों का झुंड होता है, आने जाने लोग कुत्ते खा जाते हैं, उसकी वजह से लोगों को कई प्रकार की बीमारियों के और नुकसान भी हो चुका है। ठीक है, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहेगा न्यूज 24।